हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय न्यू ब्लॉग्स। तो जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और आज हमने शॉपिंग की है डेकोरेशन से रिलेटेड, तो वो आपको शेयर करूंगी। कुछ फ्लावर्स वगैरह लिए हैं तो वो आपको दिखाऊंगी। चलो देखते हैं वो कैसे लगती है, वो भी दिखाऊंगी आपको। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि धनतेरस था, और धनतेरस पे हमने झाड़ू ली है। झाड़ू हमेशा जोड़ में नहीं लेनी चाहिए कभी भी। हमने तो तीन झाड़ू ली है, इडली कुकर भी लिया है, इडली कुकर। और तो ये हम आपको ओपन करके दिखाते हैं रिव्यू इसका। इसमें ये देखो काफ़ी अच्छा है, इसमें वैसे तो पहले भी था इडली कुकर, लेकिन वो थोड़ा ख़राब हो रखा था तो नया ले आई। और कुछ आइडिया नहीं आ रहा था कि क्या लेके आए, स्टीम देने के लिए ऊपर। और ये जो साइड में है वो इडली के लिए है, आपको दिखाएंगे अभी। और ये फ्लावर्स हैं अलग अलग कलर के, पिंक और रेड कलर के हैं। और बाउल्स तो घर पे पड़े थे, और ये फ्लावर्स लेके आएंगे। ये येलो कलर के हैं और ये पिंक हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं। और आपको बताना आपको कौन से अच्छे लग रहे हैं, मेरे को तो सारे अच्छे लग रहे हैं। चूड़ियाँ थी ये दिवाली को लेके आए थे, और ये सीप टाइप के हैं, वैसे तो लाख के हैं लेकिन लग सीप के लिए। और ये लक्ष्मी जी के पाँव, ये बड़े थे और ये बड़े हैं मेन गेट के लिए, और छोटे भी थे, छोटे भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये तो पिज़्ज़ा का सामान है, पिज़्ज़ा बनाने के लिए लेके आए थे। और ये माला है मंदिर सजाने के लिए थोड़ी बहुत। और ये जो रंगोली है, ये चूड़ियाँ कैसे लग रही हैं आपको ये भी बताना। और अब आपको लगा के भी दिखाएंगे कि कौन से फ्लावर्स कैसे लग रहे हैं। और कोई सही दे दो फ्लावर्स हैं जो थारे एक्स्ट्रा पड़े वो देते। वैसे मैं सोच तो रही हूँ कि मैं एक होम टूर का भी वीडियो बनाऊं, तो देखूंगी। और ये पिंक कलर वाले हैं, पर एक ही कलर का दियो, ये येलो रेड और पिंक। जैसे मैंने आपको जो आसमानी कलर के जो सोफों के कवर दिखाए थे, वैसे ही गोल्ड कलर के लिए,
और ये अलमीरा है, अलमीरा में ऐसे टेडी बियर वगैरह रख रखी हैं। और थोड़ा सा ये रूम का जो तैयार किया है वो दिखा देती हूँ मैं। कोको का रूम है ये मौसी जी का है। इसमें जो पेंटिंग्स हैं ये बहुत अच्छी लगी मेरे को, ये साथ में ही आई थी तीनों। और जो आगे है वो मेरा, और अब ये जो गेट के जो बांदर वाला है ये हाथों से बनाई हुई है, और ये मैंने लगा दी क्योंकि पहले वाली पुरानी हो गई थी, काफ़ी पुरानी पुरानी लग रही थी तो मैंने ये चेंज कर दी। और ये तो अभी लगाई है, ये भी नई है, ये भी अभी लगाई है। लेकिन जो मेरे रूम के आगे है येलो कलर वाले, वो अब हाथों से बनाई हुई है। हेलो गाइस, वेलकम माय YouTube चैनल। तो और ये आज हम ब्लाउज सिलेंगे, ये लिखित कलर वाली साड़ी जो मैंने करवा चौथ पे ली थी। और इसकी इसी डबल अस्तर लगेगा, इसके डबल अस्तर लगे थे तो मैं सोच रही हूं कि सिलाई की रिल के वीडियो बनाऊं। लेकिन आप ये ब्लाउज देखिए, इसका बैक साइड है, ये तो बैक में आएगा, अच्छा लगा तो फिर कि मुझे बैक में अच्छा लगा क्योंकि मैं सोच रही हूं कि मैं एक अलग चैनल बनाऊं, पीछे हुक लगा देती तो ये बैक के लिए जो तो डिजाइन है वो कट जाता तो अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने डिजाइन था ये भी चैन चैन वाले भी चैन वगैरह खराब हो जाती है, इसका डिजाइन है। तो मैंने जो सिल्क वाला हुक वाला ब्लाउज लगेगा और नीचे कॉटन का लगाया, और ये सिल्क वाला सिकुड़ जल्दी जाता है, और ये भी बहुत तो इसलिए मैंने दो लगा लिए। और ये बाजू है, स्टोन है, और बहुत अच्छे लग रहे हैं। और अब सिलेंगे, और हमारे अस्तर है क्योंकि ये डबल अस्तर लगेगा, एक तो ये सिल्क वाला है, ऐसा कपड़ा था इसमें, और ये कॉटन का वो था ये। और ये हमारा ब्लाउज तैयार हो गया है, कमेंट करके बताना कैसा है। इसकी बैक साइड है, ये डिज़ाइन इसमें, और जो साइड में हुक नहीं किए क्योंकि पता ही है। और इसमें बाजू में ये लेस एक्स्ट्रा से लगाई है क्योंकि नीचे सिंपल सा अच्छा नहीं लग रहा था। और जो ऊपर से तो नेट का है खाली, और नीचे अस्तर लगाया है। मैंने बाजू भी टोटली नेट के लिए सोची थी, लेकिन वो फिर ज़्यादा ख़राब हो जाती थी टाइम के अकॉर्डिंग, तो फिर मैंने यही ले लिया कि लॉन्ग टाइम चलेगी है, अस्तर लगा लिए इसको बाजू के भी। पहले तो सोचा था कि नहीं लगाएंगे, और कैसा बनाए, और इसके भी लेस लगाइए तो कैसा बनाए प्लीज़ कमेंट करके बताना कि मैं सिलाई का अलग से चैनल बनाऊँ या नहीं। थैंक यू। शिवाक, तो आज शाम के बजे हैं 5:30, और सभी को दिखाती हूँ क्या कर रहे हैं सब। ये मौसी जी लिस्ट बना रही है दिवाली के लिए, और प्रतिका एक कवर लगा रही है चारपाई के। और ये चूल्हे पे दूध गर्म हो रहा है, आज चूल्हे पे सब्जी बनाएंगे। ये उतारी है और फिर वो नहीं लगा रहे हैं। और ये केले का पेड़ है, ये अशोक का है, और ये कढ़ी पत्ते के भी है पेड़। मौसम भी काफी अच्छा हो रखा है।